हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड वॉशिंग योर हैंड फ्रिक्वेंटली फेयरली। ओके चिल्ड्रन, चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू डू वन एक्टिविटी। आर यू एक्साइटेड चिल्ड्रन टू नो कि मैम आज कौन सी एक्टिविटी कराने जा रही है? ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी आवर टूडेज एक्टिविटी। सी हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉर्न, दिस इज कॉर्न। सो आवर टूडेज एक्टिविटी इज कॉटन कॉर्न एक्टिविटी। चिल्ड्रन कॉर्न मीन्स क्या होता है? कॉर्न मीन्स होता है मक्का। अभी तो मक्के का सीजन भी था ना, आप सबने खाया होगा। चिल्ड्रन आप पॉपकॉर्न भी खाते होंगे। सो नाउ यू टेल मी कि वो पॉपकॉर्न किस चीज से बना होता है? इसी कॉर्न से बना होता है, इसी मक्के से बना होता है। ओके चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कॉर्न इज अ टाइप ऑफ ग्रेन। सो चिल्ड्रन आर यू रेडी टू मेक दिस कॉटन कॉर्न एक्टिविटी? ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि इस कॉटन कॉर्न एक्टिविटी को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू यूज एनी कलर पेपर, कलर पेपर यूज कर सकते हैं आप, A4 साइज पेपर भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने स्क्रैप बुक में भी इसे बना सकते हैं। बट चिल्ड्रेन आप अगर कलरफुल पेपर यूज कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पेपर बहुत डार्क ना हो, बिकॉज ये लीफ उस पे अच्छे से नहीं ड्रॉ होगी। और अगर आप A4 साइज पेपर यूज करते हैं, व्हाइट पेपर, तो ये जब आप कॉटन को पेस्ट करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो हाईलाइट नहीं होगा। सो आप कुछ इस टाइप का पेपर यूज करिएगा, चाहे वो सिंगल हो चाहे आपके स्क्रैप बुक में हो। क्लियर चिल्ड्रन? उसके बाद आपको इसे बनाने के लिए कॉटन की जरूरत पड़ेगी। कॉटन मीन्स रुई एंड वन फेविकोल इसे पेस्ट करने के लिए, एंड वन स्केच कलर, ग्रीन स्केच कलर। क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन अभी हम A4 साइज पेपर यूज कर रहे हैं, व्हाइट पेपर, बिकॉज आपको ये स्केच अच्छे से शो हो। आप कलरफुल पेपर यूज करिएगा। उस पेपर पे आप पहले अपने पेरेंट्स के हेल्प से कॉर्न का शेप पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। कोशिश करिएगा ये पेंसिल स्केच बहुत डार्क ना हो। उसके बाद क्या करना है, ये ड्रॉ करने के बाद आप स्केच कलर का यूज करेंगे और इसे कम्प्लीटली कलर कर लेंगे। पहले आप लीफ को कलर कर लेंगे स्केच कलर से, इस तरह पूरा। देखिए चिल्ड्रन मैंने इसे कलर कर लिया है प्रॉपरली। अब आपको कॉटन लेना है और कॉटन से आपको छोटे छोटे इस टाइप से बनाना है। देखिए मैंने थोड़ा सा कॉटन लिया, इसको सर्कल किया। हल्के हाथ से करिएगा, बहुत दबा के नहीं करना, ताकि ये फूला फूला टाइप का दिखे। देखिए इस टाइप का कुछ बना के रख लेना है। हल्के हाथ से बनाना है, बहुत प्रेस नहीं करना कॉटन को, ताकि वो कुछ स्पंजी फुला फुला टाइप का दिखे इस टाइप्स के। क्लियर? देखिए मैंने पहले से कुछ बना रखे हैं, इस टाइप का बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फेविकोल के हेल्प से पहले इस पेपर पे फेविकोल लगा के पहले आप पूरा सर्कल से चारों तरफ लगा लीजिएगा, इस तरह आउटर पोर्शन पे। क्लियर? फेविकोल का यूज करते जाइएगा। उसके बाद इस कॉटन को आपको इस तरह से इस पे चिपकाते जाना है। देखिए लाइन से आप फेविकोल का यूज करिएगा, और उसके बाद बीच पे भी, सेंटर पे भी इसी तरह के कॉटन्स के बनाकर पूरे में फेविकोल का यूज करके आपको इसे
चिपकाते जाना है। जब ये आप पूरा फेविकोल के हेल्प से पूरा इस तरह से कॉटन जब चिपका लेंगे तो आपका इस तरह से कॉटन कॉर्न एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। होप चिल्ड्रन यू लाइक दिस एक्टिविटी। इफ यू लाइक दिस एक्टिविटी देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।